नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं अखिलेश आनंद हूं। तो रात के 10 बज गए और वक्त हो गया है जनता की आवाज को बुलंदी देने वाले शो घंटी बजाओ का। घंटी बजाओ वो मंच है जहां जनता की मूलभूत समस्याओं की पड़ताल की जाती है, ताकि सरकार हो या सिस्टम, कोई भी अपनी जवाबदेही से बचने ना पाए, किसी के साथ ना इंसाफी ना होने पाए, इसीलिए हम उसकी आवाज बनते हैं। तो आज घंटी बजाओ में जिस खबर की तहकीकात होने वाली है वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा संगीन मसला है। जी हां, पंजाब के मोहाली में जिस तरह इंटेलिजेंस विभाग के मुख्यालय पर ही रॉकेट दाग दिया जाता है, ये आने वाले समय में बड़े संकट का इशारा है। जरा पूरे घटनाक्रम पर गौर कीजिए। पंजाब के कुछ शहरों से विस्फोटक मिलना, हिमाचल विधानसभा के बाहर खालिस्तानी झंडे लगे होना, इतना बड़ा दुस्साहस कि मोहाली में पुलिस की बिल्डिंग तक पर हमला, इतना तो साफ है पंजाब के अमन चैन को आग लगाने का यह प्रयास है। मकसद पुलिस को, प्रशासन को चुनौती देना और आम लोगों में खौफ भरना जान पड़ता है। अब इस मामले में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की ओर भी शक की सुइयां घूम रही हैं, तो जाहिर है कि ऐसी घटनाएं हमारे सुरक्षा इंतजामों में चूक की तरफ तो इशारा करती ही हैं। लेकिन यह वक्त एकजुट होकर दहशतगर्दी को जवाब देने का है। अब देखिए घंटी बजाओ की यह स्पेशल रिपोर्ट। ये वही खिड़की है जहाँ पे इंटेलिजेंस विंग हेडक्वार्टर के बिल्डिंग की, जहाँ पे आरपीजी जो है, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड जो है फेंका जाता है। इस केस को फेस करने के लिए हम लोग पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं, हमारे पास लीड हैं और जल्दी ही हम इस केस को सॉल्व करेंगे। पंजाब के अंदर आतंकवादी हमले हो रहे हैं, पंजाब के अंदर रॉकेट लॉन्चर से हमले हो रहे हैं और पंजाब की पुलिस ये देख रही है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ट्वीट कौन करता है। आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत मान जी की सरकार हर सख्त से सख्त कदम उठाने के लिए तैयार है। पुलिस के ही दफ्तर पे हमला हो जाना ये बात दर्शाता है केजरीवाल की जो पंजाब में सरकार है, पंजाब की सुरक्षा अमन चैन के लिए हानिकारक है। हम चाहते हैं कि वो इस लड़ाई को लड़ें, लेकिन वो केजरीवाल जी को छोड़ें। केजरीवाल जी की प्रायोरिटी पंजाब की नहीं है, केजरीवाल जी की प्रायोरिटी देश की सत्ता हासिल करना। जिन्हें भी पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की थी वो बख्शा नहीं जाऊंगा, सख्त तो सख्त सजा मिलेगी। पंजाब वो राज्य है जिसकी 500 किलोमीटर से भी ज्यादा सीमा पाकिस्तान से लगती है। पंजाब वो राज्य है जिसने लंबे समय तक आतंकवाद का दंश झेला है और इसीलिए पंजाब के मौजूदा हालात सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि देश की चिंता बढ़ाने वाले हैं। मोहाली में पंजाब पुलिस के खुफिया विभाग के दफ्तर पर ग्रेनेड हमला पंजाब की सरकार और सुरक्षा तंत्र को सीधी चुनौती है। सवाल है, क्या पंजाब में एक बार फिर आतंकवाद को जिंदा करने की कोशिश हो रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अचानक पंजाब में आतंक से जुड़ी गतिविधियां तेज हो गईं। ताजा घटना मोहाली की है, लेकिन उससे पहले 29 अप्रैल को पटियाला में अचानक दो समुदायों के बीच झड़प हो गई। हिंसा की वजह थी खालिस्तानी आतंकियों के समर्थन में मोर्चा। 5 मई को हरियाणा के करनाल में एक गाड़ी पकड़ी गई जिसमें 4 संदिग्ध आतंकवादी विस्फोटकों के साथ पकड़े गए। ये हथियार पंजाब से तेलंगाना भेजे जा रहे थे। इसके बाद 8 मई को तरण तारण में करीब 3 किलो RDX के साथ 2 लोग गिरफ्तार हुए। सिर्फ 10 दिनों में हुई ये तीनों ही घटनाएं बहुत बड़ी हो सकती थी अगर सही वक्त पर कार्रवाई नहीं होती। करनाल और तरण तारण में हथियारों की जो खेप बरामद हुई, अगर वो पकड़ी नहीं जाती तो आतंकी किसी धमाके की साजिश को अंजाम देने में कामयाब हो जाते। पर सवाल ये, क्या ये किसी बड़े खतरे की घंटी है? और उसी खतरे का एक छोटा सा ट्रेलर मोहाली में
इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेडक्वार्टर पर देखने को मिला। इस वक्त हम पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। ये वही खिड़की है जहां पे इंटेलिजेंस विंग हेडक्वार्टर के बिल्डिंग की, जहां पे आरपीजी जो है, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड जो है फेंका जाता है। सामने आप देख सकते हैं ये खिड़की जो है, इस खिड़की का शीशा कांच जो है टूटे हुए हैं और बाहर जो सीमेंटेड पोर्शन है इस खिड़की का, उसके ऊपर जाके रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड जो है ये टकराता है। अगर ये आरपीजी डायरेक्ट शीशा तोड़ के जो है अंदर घुसता तो ज्यादा नुकसान जो है ये आरपीजी का। इस बिल्डिंग में पूरे पंजाब के खुफिया तंत्र पर नजर रखने वाले बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं। यहाँ पंजाब में हो रही हर गतिविधि की सूचनाएं इकट्ठा की जाती हैं। माना ये जाता है कि राज्य में किसी भी तरह की संभावित साजिश की सबसे पुख्ता जानकारी सबसे पहले इसी बिल्डिंग में मौजूद दफ्तर में आती है। लेकिन सोमवार रात 7:45 बजे तक यहाँ किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी कि बिल्डिंग के आसपास रॉकेट लॉन्चर लेकर कुछ लोग घूम रहे हैं। उनके निशाने पर ये बिल्डिंग ही है। एक प्रोजेक्टाइल ने हिट किया है, जो एक्सप्लोजिव इस्तेमाल हुआ है वो टीएनटी लग रहा है। जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ है शाम के टाइम, उस टाइम कमरे में कोई नहीं था, नुकसान कोई नहीं हुआ है, लेकिन ये चैलेंज है। इस केस को सॉल्व करने के लिए पूरे कोशिश कर रहे हैं। पंजाब पुलिस को ये सीधी चुनौती इसलिए चिंता में डालने वाली है क्योंकि पंजाब में पहली बार आरपीजीएल जैसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल हुआ और अभी तक पंजाब पुलिस या सरकार को ये नहीं पता कि ऐसे कितने आरपीजीएल पंजाब की जमीन पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फॉरेंसिक की टीम्स जो हैं अब जो हैं यहाँ से बिल्कुल इसके ऊपर जो है, किस तरह से बिल्कुल टॉप पे जो है खिड़की जो है वहाँ जो है ग्रेनेड जो है वो टकराता है और इसके नीचे जो कुछ इसके अवशेष जो हैं पड़े हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस मशीन के जरिए जो है छत पे चढ़े हैं ये कर्मचारी और यहाँ अगर कोई वाइटल क्लूज इनको मिलते हैं तो उनको इकट्ठा करने की कोशिश जो है ये तमाम जो है पुलिस के कर्मचारी जो हैं, फॉरेंसिक के कर्मचारी जो हैं ये कर रहे हैं। और बड़ी हैरानी की बात है कि वहीं सामने जो है इस इंटेलिजेंस विंग की बिल्डिंग की जो है चेक पोस्ट है जहां पर लगातार कर्मचारी जो हैं बैठे होते हैं और तो कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी जो है लैप्सेस जो हैं यहां इस बिल्डिंग के जो हैं वो सामने नजर आ रहे हैं। सुरक्षा में हुई इसी चूक को लेकर पंजाब पुलिस और सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप यहां तक लग रहा है कि पंजाब पुलिस एक विवादित बयान के मामले में गिरफ्तारी करने दिल्ली तक पहुँच जाती है लेकिन पंजाब में एक के बाद एक हो रही इन घटनाओं पर सोई रहती है। जो पंजाब पुलिस देश के अंदर आतंकवाद को परास्त करने के लिए जानी जाती थी, पंजाब के अंदर आतंकवादी हमले हो रहे हैं, पंजाब के अंदर रॉकेट लॉन्चर से हमले हो रहे हैं और पंजाब की पुलिस ये देख रही है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ट्वीट कौन करता है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलता कौन है। मोहाली में हुए हमले को लेकर पंजाब पुलिस का रवैया शुरू से ही चौंकाने वाला रहा है। पहले पुलिस के आला अधिकारियों ने इसे एक मामूली विस्फोट बताकर टालने की कोशिश की, फिर काफी देर तक पुलिस इस हमले से जुड़ी कोई सही जानकारी नहीं दे पाई। हैरानी की बात कि राज्य के खुफिया विभाग के हेडक्वार्टर्स पर कोई ऐसा सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा जिससे इस घटना से जुड़ा कोई सुराग मिल पाए। पुलिस ने इस हमले को आतंकी घटना मानने में भी काफी देर लगाई। इस केस को ट्रेस करने के लिए हम लोग पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं, हमारे पास लीड हैं और जल्दी ही हम इस केस को सॉल्व कर लेंगे। एक्सप्लोजिव इस्तेमाल हुआ है वो टीएनटी लग रहा है। हमले से जुड़ी जानकारी के नाम पर पुलिस को ये पता चला कि रॉकेट दागने के लिए सफेद रंग की गाड़ी का इस्तेमाल किया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हमले के बाद वो गाड़ी यूपी की तरफ गई। सरकार का दावा है कि जल्द ही पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। बार बार कहना चाहना थोड़े जरिए कि जिन्हें भी पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की थी वो बख्शा नहीं जाऊगा, सख्त तो सख्त सजा मिलेगी। उन्होंने कई पीढ़ियां याद रखनगिया कि असी पंजाब जिहड़ा हसदा वसदा पंजाब है उन्होंने तोड़न की कोशिश की सख्त तो सख्त सजा मिलेगी।
मोहाली की इस घटना में भले ही कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने इस हमले की जिम्मेदारी ली, उससे साफ है कि आने वाला वक्त पंजाब सरकार के लिए चुनौती भरा होने वाला है। मोहाली में इंटेलिजेंस मुख्यालय पर हमला बड़े खतरे की आहट इसलिए भी है क्योंकि खालिस्तानियों के बहाने पाकिस्तान पंजाब के अमन चैन को स्वाहा करना चाहता है। पाकिस्तान वहां अलगाववाद को बढ़ावा देना चाहता है। जो रॉकेट दागा गया वो भारतीय फौज तक इस्तेमाल नहीं करती। बिना पाकिस्तानी शह के भारत की सरहद में इस रॉकेट का आ जाना संभव ही नहीं। जिस पंजाब ने आतंकवाद को हराया वहां एक बार फिर आतंकवाद की दस्तक इसलिए सुनाई दे रही है क्योंकि आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान अपने देश में चल रही राजनीतिक अस्थिरता से ध्यान भटकाने के लिए अब पंजाब में आतंक के प्रयोग कर रहा है। इसका एक सबूत है अमृतसर में मिले ये ड्रोन। बीएसएफ के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए इस ड्रोन पर पाकिस्तान की मार्किंग पाई गई और इसके जरिए भारत में ड्रग्स भेजे गए। पहली बार हेरोइन और ड्रोन एक साथ बीएसएफ ने पकड़े हैं। रात को लगभग 11:15 की बात है जब हमारे जवानों को फेंसिंग के ऊपर कुछ ड्रोन की आवाज सुनाई दी। पिछले कुछ दिनों में इस तरह का चौथा ड्रोन पकड़ा गया है जिसके जरिए सीमा पार से भारत में ड्रग्स की सप्लाई की जा रही थी। यही नहीं, करनाल में कुछ दिनों पहले जो विस्फोटक बरामद हुए थे उनके बारे में भी यही जानकारी मिली थी कि उन्हें ड्रोन के जरिए भारत भेजा गया। नार्को टेररिज्म को लेकर पंजाब एक बार फिर सुलगता पंजाब बनता नजर आ रहा है। पिछले एक महीने के आंकड़े ये बताते हैं कि पंजाब में लगातार हथियारों, विस्फोटकों और मादक पदार्थों को पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी है। सीमा पार से आई हुई हीरोइन हो या दिल्ली में पकड़ी गई, उन सब के तार पंजाब से जाकर जुड़ रहे हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए, ये उसी रॉकेट के अंश हैं जिससे मोहाली में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमला किया गया। इसे RPG यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड कहते हैं। ये कंधे से दागे जाने वाला हथियार है जिससे टैंक से लेकर बड़ी बड़ी इमारतों तक को उड़ाया जा सकता है। लेकिन चिंता में डालने वाली बात ये कि जिस RPG-22 से इस हमले को अंजाम दिया गया उसका इस्तेमाल भारतीय सेना नहीं करती, यानी ये बाहर से भारत भेजा गया। लेकिन पाकिस्तानी फौज के पास भी RPG-22 नहीं है। रूसी मूल के RPG-22 का इस्तेमाल तालिबानी लड़ाके करते रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसे अफगानिस्तान से भारत भेजा गया और ये बिना पाकिस्तान की मदद के संभव नहीं, क्योंकि इससे पहले कश्मीर में पाकिस्तान से आए आतंकवादी इसका इस्तेमाल करते थे। तो अब सवाल यही, क्या कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों की सख्ती के कारण पस्त पड़ा पाकिस्तान पंजाब के जरिए आतंक की सप्लाई शुरू कर रहा है? क्योंकि खुफिया दस्तावेजों के हवाले से भी पंजाब को सुलगाने की पाकिस्तानी साजिश का खुलासा हुआ है। ABP न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने पंजाब में आतंकी घटनाओं के लिए एक नया आतंकी संगठन बनाया है। इस नए संगठन का नाम लश्करे खालसा रखा गया है। इस आतंकी संगठन में अफगानी आतंकियों को भी शामिल किया गया। वो अफगानी आतंकी RPG समेत सभी आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इस संगठन में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI पंजाब, हरियाणा और कश्मीर के स्थानीय गैंगस्टरों को भी शामिल कर रही है जिससे आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा सके। खुफिया सूत्रों ने बताया कि गत दिवस मोहाली इंटेलिजेंस ऑफिस में हुए धमाके में भी स्थानीय गैंगस्टरों का हाथ पाया गया है जिनकी तलाश में छापेमारी लगातार जारी है। पंजाब में फिर से आतंकवाद की ये फसल बोने के लिए ही पाकिस्तान ड्रग्स का सहारा ले रहा है, क्योंकि इससे होने वाली कमाई के लालच में स्थानीय अपराधी पाकिस्तान के प्लान का हिस्सा बन जाते हैं और हथियारों की सप्लाई में मदद तक करते हैं। कश्मीर में जिस तरह पाकिस्तान की आतंकी साजिश वाली दाल गल नहीं रही है, उसके बाद उसने पंजाब की तरफ अपना फोकस किया है। एक तरफ पन्नू है जिस पर पाकिस्तान की मेहरबानी है,
तो दूसरी तरफ मोहाली रॉकेट हमले में लश्करे खालसा का हाथ है और इसकी जिम्मेदारी सिख फॉर जस्टिस ने ली है। इससे आगे बढ़कर मोहाली रॉकेट हमले में पाकिस्तान में आईएसआई का पिट्ठू गैंगस्टर हरविंदर सिंह रिंडा मास्टरमाइंड हो सकता है, यानी तालिबान से लेकर खालिस्तानी आतंकी तक भारत के खिलाफ पाकिस्तानी साजिश का मोहरा बन चुके हैं और इसीलिए पंजाब पर मंडरा रहे खतरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियों और सरकारों का सतर्क होना बहुत जरूरी है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।